Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकक फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अखिलती लिबरल हुक्मरानी के एक नए दौर का आगाज कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मजाक पर नाराज, नेटो इजलास अधूरा छोड़कर चले गए, ट्रूडो को दो चेहरों वाला करार दे दिया। टोरंटो के शहरी एक बार फिर शदीद बर्फबारी के लिए तैयार हो जाएं, एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से एक बार फिर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। कैनेडियन पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ करारदाद अंदरूनी मामलात के खिलाफ वर्जी होगी, चीनी सफीर का कहना है कि यह अमल कैनेडा के मुफादात के खिलाफ होगा। अमरीकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे का ऐलान करते हुए कहा है कि इस जमन में दस्तावेजात तैयार की जाएंगी। अमरीका के शुमाल मशरकी इलाके बर्फानी तूफान की लपेट में, अल्बानी सिटी में 22 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग अब तक बेकाबू, हुक्काम न्यू साउथ वेल्स में 140 मकामात पर जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। कुछ बात करेंगे कनाडा में नई लिबरल हुकूमत ने बर्दाश्त, खैर सगाली और हिजब इख्तलाफ की जमातों के साथ मिलकर काम करने का आजम किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अखिलती लिबरल हुक्मरानी के एक नए दौर का आगाज कर दिया है। अपनी तकरीर में उन्होंने बर्दाश्त, खैर सगाली और हिजब इख्तलाफ की जमातों के साथ मिलकर काम करने का अज़्म किया। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से भेजी गई तकरीर को गवर्नर जनरल जूली पाटर ने पढ़कर सुनाया। उनकी जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों की तकमील और माहौलियाती तब्दीली, टैक्सों में कमी, गन कंट्रोल, सेहत और दीगर अहम मसाइल के हल का वादा किया गया। साथ साथ उन्होंने NDP और ब्लॉक क्यूबेको की तरजीहात की जानिब भी इशारा किया। ऐवान में कानून साजी और अतमाद का वोट हासिल करने के लिए हुकूमत को इन दो जमातों में से एक की हिमायत की जरूरत होगी। तकरीर में कहा गया कि हुकूमत हिजब इख्तलाफ की जमातों के नए आइडियाज को खुश आमदीद कहेगी। गवर्नर जनरल का मजीद कहना था कि नौजवान से लेकर सीनियर तक तमाम कैनेडियंस ने यह पैगाम भेजा है कि उनके नुमाइंदे इन तमाम उमूर पर जो कैनेडियंस के लिए अहमियत रखते हैं मिलकर काम करें। ऐवान में कंजर्वेटिव और NDP हुकूमत के खिलाफ दिखाई दिए, जबकि ब्लॉक क्यूबेको ने उनकी हिमायत की, जो कि हिमायत के लिए काफी है। कुछ बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबरा इजलास और अधूरा छोड़कर एक रोज पहले वापस अमरीका चले गए और जर्मन चांसलर से मुलाकात में ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दोगला भी कह दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मजाक पर नाराज, नेटो इजलास अधूरा छोड़कर चले गए।
कनाडा के सरकारी चैनल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें जस्टिन ट्रूडो, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, हॉलैंड के वजीर आजम मार्क और मलका एलिजाबेथ की बेटी शहजादी एन से बातचीत कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने इमानुएल मैक्रोन से पूछा, क्या इसी वजह से आपको देर हुई? जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा, उन्हें इसलिए देर हुई क्योंकि 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरजीह थी। आलमी रहनुमाओं के दरमियान दूसरे अल्फाज का तबादला भी हुआ लेकिन सुना नहीं जा सका। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आपने देखा, खुद उनकी टीम के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबरा इजलास अधूरा छोड़कर एक रोज पहले वापस अमरीका चले गए और जर्मन चांसलर से मुलाकात में ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दोगला भी कह दिया। वीडियो लीक होने पर फ्रांस के सदर मैक्रोन नाराज हो गए जबकि बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन अनजान बन गए। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि किसी ने ट्रंप का मजाक नहीं उड़ाया, वो लोग ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि अगली G7 कॉन्फ्रेंस के मुकाम पर कैंप डेविड से मुतालिक बात कर रहे थे। कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। महकमा मौसमियात ने टोरंटो में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि मजीद बर्फबारी के पेश नज़र शहरी सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से एक बार फिर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। टोरंटो वाले अभी गुज़िश्ता बर्फबारी के असरात से निमट रहे थे कि महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि मजीद बर्फबारी के पेश नज़र शहरी सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। वफाकी मौसमी एजेंसी की जानिब से शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को जाहिर की गई है। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि बर्फबारी के पेश नज़र जरूरी इकदामात कर लिए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहर में दर्जा हरारत 0 से -6 सेंटीमीटर तक जा सकता है जो कि रात के औकात में -13 तक पहुँच सकता है। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा में चीन के सफीने कैनेडियन हुकाम को पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ तहरीक पेश करने पर खबरदार किया है। मस्कूरा तहरीक में चीनी रहनुमाओं पर पाबंदियां लगाने का कहा गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में चीन के सफीने कैनेडियन हुकाम को पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ तहरीक पेश करने पर खबरदार किया है। मस्कूरा तहरीक में चीनी रहनुमाओं पर पाबंदियां लगाने का कहा गया है। कंजर्वेटिव एमपीज की जानिब से लाई जाने वाली तहरीक जिसमें चीन में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जी पर ट्रूडो हुकूमत से चीनी रहनुमाओं पर पाबंदी का मुतालबा किया जाएगा। चीनी सफीर कोंग प्यू ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि अगर कैनेडियन सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स इस तहरीक को पास करते हैं तो ये चीन के अंदरूनी मामलों की खिलाफ वर्जी होगी। उनका कहना था कि ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मुतासिर करेगा। अगर ये तहरीक पेश की गई तो हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे जबकि कनाडा के मुफाद में नहीं होगा। हम उम्मीद करेंगे कि कनाडा उसको मंजूरी नहीं देगा। कुछ बात करेंगे, अमरीकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे का ऐलान करते हुए कहा है कि इस जमन में दस्तावेजात तैयार की जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे ऐलान करते हुए कहा है कि इस जमन में दस्तावेजात तैयार की जाएंगी। उन्होंने पार्लिमानी कानूनी कमेटी से कहा कि वो इस जमन में तमाम दस्तावेजात और कजाइन का जायजा लेकर मौखजे के नुकात तहरीर करें। नैन्सी पेलोसी ने जोर देकर कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अपने अख्तियारात से तजावुज किया है बल्कि उनका गलत इस्तेमाल भी किया। इस ऐलान के बाद अब अगले मरहले में ये कमेटी अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मौखजे की रुदात और नुकात तहरीर करेगी और इसे पार्लियामेंट के भरपूर इजलास में तमाम अरकान के सामने पेश किया जाएगा। और अगर इसे सादा अक्सरियत मिल जाती है तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराए रास्त मुआखजे का आगाज हो जाएगा। यहाँ तक कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआखजे के बाद उन्हें अपने ओहदे से भी हटाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानिब तो यूक्रेन पर दबाव डालने और अस्करी मदद रोक कर ज़ाती फवायद और सियासी मकासद हासिल करने का इल्जाम है। इससे कबल मुआखजे की रुदात में सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथियों और हुकूमती अहलकारों से तवील जराह की गई थी। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स ने ऐलान किया कि वो मेरा मुआखजा करना चाहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआखजे की ये रविश मुस्तकबिल के सदूर पर हमले की राह हमवार करेगी। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिद हैं और जीत हमारी होगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी शहर अल्बाने में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। 22 इंच बर्फ ने हर शहर को ढक दिया जबकि बूस्ट और न्यूयॉर्क में 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है।
مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ کے شمال مشرقی علاقے گزشتہ 3 روز سے برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہے. البانی سٹی میں 22 انچ برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی شہر البانی میں برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 22 انچ برف نے ہر شہر کو ڈھک دیا, جبکہ بوسٹ اور نیو یارک میں 6 انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے. مختلف ریاستوں میں 4000 سے زائد پروازیں متاثر ہوئیں, جس کی وجہ سے لاکھوں امریکی اپنے گھروں سے دور علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ نیو یارک میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ برفانی طوفان میں مزید تیزی کا امکان موجود ہے. آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز, وکٹوریا, کوئنز لینڈ, ساؤتھ آسٹریلیا کے جنگلات میں نومبر سے لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ اب تک بے قابو ہے. آسٹریلیا کے ریاست نیو ساؤتھ ویلز, وکٹوریا, کوئنز لینڈ, ساؤتھ آسٹریلیا کے جنگلات میں نومبر سے لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے. جنگلاتی آگ سے اب تک 4 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ 400 سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں. حکام نیو ساؤتھ ویلز میں 140 مقامات پر جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں, جبکہ تیز ہوائیں آگ مزید بھڑکانے کا سبب بن رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی. ڈیلی کینیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی.